और अब खबर आपको देंगे, सेनेट के जिमनी इलेक्शन के लिए मुलाकातें जारी हैं। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार वलीद इकबाल की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, सेनेट इंतखाबात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। इस पर बात करेंगे आकिब तनवीर से। आकिब, मुलाकातों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जो सेनेट का इंतखाब है इस हवाले से मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ भी जारी है। तो वलीद इकबाल जो नामजद उम्मीदवार हैं सेनेट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई है। इसमें एक तो सेनेट के ऊपर तफसीली बातचीत की गई है, दूसरा जो यकीन दहानी करवाई गई है चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से कि वलीद इकबाल को भरपूर सपोर्ट और वोट भी उनको दिलाएंगे सेनेट इलेक्शन में। इसके साथ साथ जो मुलाकात में शेख इम्तियाज, नईमुल्लाह सादिया सोहेल एमपीए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से और तारिक हमीद जो है वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। तो यही वजह के जो चौधरी मोहम्मद सरवर है उन्होंने एक तो इनकी हमायत और इनको वोट दिलाने का भी ऐलान किया है और साथ साथ ये भी कहा कि इनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसको भी चलाया जाएगा और जितने भी एमपीएस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनको साथ में रखा जाएगा और किसी किस्म के अपने वोट जो है वो खराब भी नहीं होने दिए जाएंगे। तमाम जो वोट है अपने सारे के सारे जैसे पहले इंतखाब में सेनेट के इंतखाब में अपने वोट हासिल किए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, वैसे ही और उससे ज्यादा वोट हासिल करने का दावा भी किया गया कि उससे ज्यादा वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ हासिल करेगी। ठीक है, सेनेट के जिमनी इलेक्शन में कुछ रोज बाकी रह गए हैं, ऐसे में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शुक्रिया कैप्टन वीर, अपडेट कर रहे थे आप।